एक समय की बात है, एक पुराने पेड़ के पास एक बहुत गहरा तालाब था। तभी उसी तालाब में एक औरत पानी भरने के लिए आई और तालाब से पानी भरने लगी। पानी भरते समय औरत तालाब में गिर गई और गिरकर मर गई। मरने के बाद औरत एक चुड़ैल बन गई और उसी पेड़ में जाके समा गई। तालाब के पास एक रामपुर नाम का गाँव था। उसी गाँव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उनके दो बच्चे थे, जिनका नाम राहुल और सुनीता था। सुनीता दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन गांव वाले उन गरीब परिवार को पसंद नहीं करते थे, बहुत बुरा भला बोलते थे। अरे देखो कितने गंदे लोग हैं, इनको अपने बहु बेटियों से दूर ही रखो, पास मत आने दो इनको। एक दिन सुबह एक औरत तालाब से पानी भरने के लिए घर से निकली। तालाब के पास पहुँच कर पानी भरने लगी, तभी पेड़ से अचानक वही चुड़ैल निकली। पानी भरता देख चुड़ैल ने औरत को पानी में धकेल दिया और डूबा डूबा के औरत को तालाब में ही मार दिया। अब इस तालाब में जो भी पानी भरने के लिए आएगा उसे तालाब में डुबो डुबो कर मार दूंगी। और चुड़ैल पेड़ में फिर से जाके समा गई। इधर गरीब परिवार में सुनीता दुर्गा माता की आरती और पूजा कर रही होती है, तभी उसकी माँ आई। बेटी पूजा करने के बाद मटके में जाके देख लेना कि पानी है या नहीं, और पानी नहीं होगा तो जाके तालाब से पानी भर लाना। ठीक है माँ, देख लूंगी। सुनीता आरती और पूजा खत्म करने के बाद मटके में जाके देखती है तो मटके में बहुत सारा पानी भरा होता है। माँ, मटके में अभी बहुत सारा पानी भरा है। ठीक है बेटी, कल सुबह तालाब से पानी भर लाना, आज तो काम चल जाएगा। अगले दिन सुबह दो औरत गांव से पानी भरने के लिए तालाब के पास आई और पानी भरने लगी। तभी पेड़ से वही चुड़ैल निकली और दोनों औरत को पानी भरता देख तालाब में धकेल दिया और डूबा डूबा के दोनों औरत को तालाब में ही मार डाला। इधर सुनीता दुर्गा माता की आरती पूजा करके मटके में जाके देखती है तो मटके में पानी खत्म हो चुका था। माँ, मटके में पानी खत्म हो गया है, जा रही हूँ तालाब से पानी भरने। ठीक है बेटी, पानी भर के जल्दी आना। सुनीता तालाब के पास पहुंच गई, लेकिन सुनीता को पता नहीं था कि जो भी इस तालाब से पानी भरता है उसे पेड़ से निकलकर एक चुड़ैल मार देती है। सुनीता तालाब से पानी भरने लगती है, तभी पेड़ से चुड़ैल निकली और सुनीता को पानी भरता देखा। अरे ये कौन लड़की है जो तालाब से पानी भर रही है, इसे भी तालाब में डुबो डुबो कर मार डालूंगी। चुड़ैल सुनीता को जैसे मारने के लिए आगे दौड़ी। सुनीता ने चुड़ैल को देख लिया और बहुत डर गई और दुर्गा माता को याद करने लगी। हे दुर्गा माता, इस चुड़ैल से मेरी जान बचा लीजिए, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। बस सुनीता ने जैसे इतना बोला, दुर्गा माता वहाँ तुरंत प्रकट हो गईं। बेटी, अब तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चुड़ैल, तुम इस नन्ही सी बेटी को क्यों मारना चाहती हो? ये लड़की तालाब से पानी भर रही थी और जो भी इस तालाब से पानी भरने के लिए आता है उसे मैं तालाब में डुबो डुबो कर मार देती हूँ। लेकिन अब मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगी और दुष्ट चुड़ैल तुमको मैं मार डालूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ और तुम मुझे मार नहीं सकती। बस इतना बोलते ही चुड़ैल लड़की को मारने के लिए आगे दौड़ी। तुरंत दुर्गा माता ने अपने त्रिशूल से चुड़ैल को मार डाला। और अपने शक्ति से चुड़ैल को भस्म कर दिया। दुर्गा माता ने लड़की की जान बचा ली।